दुनिया के बहुत सारे ममालिक में रात को अलग मार्केटें लगती हैं। जैसे कि मैंने ढाका में देखा कि जगह जगह रात के लिए अलग मार्केट थी। एक मैंने मोती झील में मछलियों की मार्केट देखी, जहां ताज़ा फ्रेश रात को लाई जाती है, और उसी बाज़ार में ताज़ा सब्जियां शाम के वक्त रात के वक्त लाई जाती थी। मैंने जापान में भी शाम के वक्त और रात के वक्त की मार्केटें देखी हैं, और हो सकता है कि आप लोगों ने भी देखी हो। लेकिन कराची शहर में यही बाज़ार, रात का बाज़ार, नाइट फिश मार्केट, मैंने 14 नंबर से 11:30 की तरफ जाते हुए डिस्को मोड़ के पास मैं इन्हें देखता हूँ। ले आते तेरा भाई से भी ले आते, 200 रुपये नहीं होगा ये, होता तो मैं दे देता। देखने तो पेट खाया हुआ था। क्या बोलती है? मेरा अक्सर वहाँ से गुजरना होता है, और मैं देखता हूँ कि भाषानी स्वीट फौजी होटल की तरफ से जब आप इस्लाम चौक की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपके दोनों तरफ एक चौड़ी सड़क है, उसके दोनों तरफ ठेले लेकर लोग सब्जी फल फ्रूट के साथ साथ मछलियाँ भी बेच रहे होते हैं। हम लोग अपना यूट्यूब है। ये ताज़ा मछलियाँ होती हैं, शायद ये इसी वक्त ला रहे होते हैं। देखा जाए तो ये बहुत कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग ऑफिस के बाद घर जाते हुए सामान लेना चाहें ताज़ा, तो ऐसे किसी बाज़ार से अगर वो गुजरें तो उन्हें बहुत आसानी होती है। और इसी तरह उन लोगों के लिए भी एक मौका है जो दिन में कहीं और मजदूरी करते हैं या किसी और जगह काम करते हैं, और शाम के इस बाज़ार में आकर कुछ माल बेच लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ बाकायदा दुकानें नहीं हैं, इसका कुछ किराया नहीं है, यकीनन कुछ ना कुछ बल्दिया के लोग और पुलिस वाले लेते होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये एक बिज़ी बाज़ार है। यहाँ से लोग गुजरते हुए लेके आगे बढ़ते जाते हैं, और यहाँ अच्छा खासा माल होता है। अगर इस तरह के नाइट बाज़ार शहर के दूसरे इलाकों में भी खोले जाएं, तो ये दोनों के लिए विन विन है। वहाँ के कुछ लोग पार्ट टाइम आमदनी हासिल कर सकेंगे, और वहाँ की वर्किंग क्लास को शाम के औकात में ताज़ा सब्जियाँ, मछलियाँ और फल मिल सकेंगे।